नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे कि क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 13 है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल जो लगने वाला टॉपिक है, इसका कारण क्या है वो जानेंगे और बाद में इसका सीखेंगे एक आसान से तरीके से हम किसी भी सवाल को कैसे कर पाएंगे वो भी हम जानेंगे। आपको भले मैथ जो है बहुत ज्यादा मुश्किल लगती हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो, या फिर आप जहां पर इस प्रश्नावली के पूरे में से पूरे नंबर निकालना चाहते हैं, यानी एग्जाम में आने वाले इस प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही आसान से तरीके से और पूरे नंबर जैसे मिल जाए उस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इन सीरीज को पूरा देखिएगा इस प्रश्नावली के, आप निश्चित तौर पर किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। हमेशा की तरह हम प्रश्नावली का पहले बेसिक समझते हैं, तो इसका बेसिक क्या है वही चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपको इसका बेसिक समझ में आ गया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप इस प्रश्नावली के प्रत्येक सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमें फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, किस तरह से ये फॉर्मूला बना है वो भी हम जानेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो 13वीं प्रश्नावली है उसके अंदर कुछ बेसिक हमें चीजें सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम चीजें सीखेंगे आगे की जो चीजें हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत चीजें सीख लेते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आप बहुत देर पढ़ते आ रहे हैं क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, दो चीजें हमें पढ़नी है, और आयतन का मतलब क्या होता है, ये दो चीजें हम सीख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखो, क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे हम बात करें कोई भी आकृति है, जैसे इस बोर्ड की बात करते हैं, इस बोर्ड का जो फ्रंट आपको जितना दिखाई दे रहा है ये इस बोर्ड का क्षेत्र है, ये इस बोर्ड का क्या है, क्षेत्र है। हम आकृतियां बहुत सारी पढ़ते हैं, उस आकृति को सिंपल सा एग्जाम्पल और अपन समझते हैं, सिंपल सा बिल्कुल। जैसे मान लो कोई दीवार है, एक साइड की दीवार है आयताकार, जिसको हम आयत कहते हैं, आयताकार दीवार, उसके ऊपर कलर करना है, या समझ लो इसके ऊपर वॉलपेपर लगाना है अपने को, तो जितने साइज का पूरा कवर करने के लिए जितने साइज का हम वॉलपेपर लगाएंगे ना, वो उस दीवार का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के बराबर हमें चाहिए। अब हमें तो पढ़ना है घन भी पढ़ना है, घनाभ भी पढ़ना है, शंकु भी पढ़ना है, तो इसका क्षेत्रफल, यानी उसी तरह की बात करें, उसके एक ऐसा कवर लगा दे जो चारों तरफ से उस कवर को ढक दे, वो उसका क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, क्षेत्रफल। आयतन की बात करें तो आयतन का मतलब होता है उस आकृति में, आयतन किसका होगा, 3D आकृति का, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, ये सारे क्या होते हैं, इनके आयतन होते हैं। मतलब उस शेप का हमने एक बर्तन बना दिया, बर्तन के सिर्फ शेप अलग कर रहे हैं, आकृतियां अलग अलग कर रहे हैं उसको, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, बाकी उसके अंदर जो धारिता है उसकी, कितना उसके अंदर पानी आ सकता है, कितना उसके अंदर मिट्टी आ सकती है, कितना इसके अंदर हम हवा डालें तो कितनी आ सकती है, ये सारा इसका क्या है, आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। सिंपल सी बात करें तो हमारे पास एक इस तरह का क्या है, एक पानी की टंकी बनी हुई है, तो इस टंकी में कितना पानी आएगा, ये इसका आयतन है, ये क्या है, कितना इसके आयतन, और इस टंकी के ऊपर हम कवर करें सब तरफ से, इसके ऊपर पेंट करना है, तो हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल। अब एक बात देखिएगा, आयतन के अंदर हम एक चीज निकालें तो आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं, आयतन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू उसकी ऊंचाई, ये बहुत जगह हमें काम आता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, यानी उस आकृति का आधार कैसा है, अगर उसके आधार को हम उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो किसी भी आकृति का हम आयतन निकाल सकते हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई आप कर देंगे तो बहुत सारी चीजों को बहुत सिंपल से तरीके को हम समझने में ये बहुत काम आएगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत और बेसिक हम समझते हैं इसके अंदर, जो चीजें आपको पता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो यहां पर देखिएगा, थोड़ी बहुत चीजें हम पीछे की रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की, वर्ग क्या होता है आपको पता है, एक सिंपल सी आकृति बना लेते हैं वर्ग की, ये होता है हमारा वर्ग, ठीक है। इसके बाद में बात करें यहां पर आयत की, आयत के बाद में बात करते हैं वर्ग की, अभी तीन इन आकृतियों की बात करते हैं, ठीक है। हम इसका फटाफट डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, ये आयत हो गया,
वर्त हो गया, वर्त होता है अर्धवर्त भी होता है। इसका हमें क्या निकालना है, हम इसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हम बात करें तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा। ये सारी वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ठीक है, ये चारों भुजा बराबर है तो हम कह देते हैं भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, किसका, आयत का। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। वर्त की बात करें तो ये वर्त का केंद्र होता है, ये होती है इसकी त्रिज्या। तो आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक और चीज होती है, वो होती है इसकी परिधि। परिधि यानी क्या होता है, ये लाइन को मैंने यहां से मान लो स्टार्ट किया और मैं यहां से घूमते घूमते इस लाइन के ऊपर घूमते 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 वापस यहां तक आया तो मैंने कितनी दूरी तय की। यानी हम चूड़ी की बात करें तो जहां पर कांच लगा होता है, साइकिल की बात करें तो जहां रिम वाला गोल वाला भाग होता है उसकी आपको लंबाई लगानी है, तो 2πr। r का मतलब यहां पर क्या है, त्रिज्या है। r का मतलब क्या है, त्रिज्या। और पाई का मान आपको पता होगा कितना होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7। ये हम सीखे हैं कई बार, अपन पाई का जब अपन मान कहेगा सवाल के अंदर तो इसका मान हम 3.14 भी लेते हैं जब हमें कहा जाए तब। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लेना है, अपनी मर्जी से हमेशा 22/7 रखेंगे। जब आपको सवाल में कह दिया तब आपको 3.14 ही रखना है। लगभग 22 में 7 का भाग करते हैं तो लगभग यही आता है, ठीक है। ये है इसकी भुजा। अब बात करते हैं इसके विकर्ण की, सॉरी इसकी बात करते हैं हम परिमाप की। इसका क्या होता है, 4 × भुजा। परिमाप मतलब होता क्या है, वही बात है कि यहां से हम स्टार्ट करें और चारों वापस घूम के आए तो बाहर बार वाले गोले पे बाउंड्री बाउंड्री पे हम घूमे तो वो उसकी परिधि। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई, 2 × लंबाई + चौड़ाई, ये होता है इसका परिमाप। तो ये हमने देखा, ठीक है। अब हम इनकी आकृतियों से और विशेष आकृतियां पढ़ने वाले हैं और अलग आकृतियां पढ़ने वाले हैं, यानी इन्हीं से मिलाकर बनी हुई 3D आकृतियां हम थोड़ी बहुत इसका यूज होने के बाद में जो इनसे बनी हुई कुछ 3D आकृतियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक को, और उसका हम जानेंगे कैसे उसका फॉर्मूला होता है, आकृति कैसे होती है वो है। लगातार सीरीज को लगातार देखते रहिएगा। अब ये चीजें तो हम बहुत बेसिक से पढ़ते आए हैं लेकिन ये हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये चीजें हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है अगर आप चाहते हैं कि इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना। तो देखिएगा, हम एक एक आकृति की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे घन की। ये एक 3D आकृति। घन क्या होता है, आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो लूडो में खेलने वाला जो पासा है वो एक घन के आकार का है, या एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो वो एक घन है, वो एक क्या है, घन के आकार का है। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, हम यहां पर एक डायग्राम बना के देखें तो कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है घन का, देखिएगा कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो तो इसकी हम ये कह देते हैं भुजा। ये क्या है, इसकी भुजा है। और आपको पता है जैसे ये कौन सी आकृति से बना हुआ है, ये वर्ग से बना हुआ है, यानी इसके अंदर हमने वर्ग लगा दिए। कितने वर्ग लगाए हैं जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे इस हम स्टूडियो के रूम की बात करते हैं तो यहां पर कितनी दीवारें हैं, यहां पर कितने फलक हैं, 6 फलक। कैसे, देखिएगा, एक इधर वाली दीवार लेफ्ट वाली, एक राइट वाली होगी, ठीक है, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, 4 होगी, एक ऊपर छत होगी, एक नीचे फर्श हो गया, तो 6 होती है। कितनी होती है, 6। तो इसकी हम घन का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसको पूरा हमें कवर करना है। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह का बॉक्स है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको कवर करना है, ऐसा कवर लगाना है बिल्कुल ये पूरा पैक हो जाए, ना तो कवर ज्यादा रहे ना कम रहे। तो कितने कवर की आवश्यकता होगी, वो इसका क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ से ढकने के लिए। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है घन का, तो घन का देखो कितने फलक है, 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × भुजा स्क्वायर। देखिएगा हमारे पास 6 इसमें वर्ग है, 6 वर्ग है, 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हमारे पास 6 है तो 6 × भुजा स्क्वायर। बहुत आसान से, समझ में आया नहीं आया आपको, देखिएगा हमारे पास घन के सॉरी वर्ग के आकार की 6 दीवारें होती हैं एक तरह से माने, तो एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, एक ऊपर छत और एक फर्श, 6 के 6 एक जैसे हैं वर्ग के आकार के। आपको पता है एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एक वर्ग का वो होता है भुजा स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास 6 है तो 6 × भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 × भुजा स्क्वायर।
यहां पर आयतन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसका फर्ज कौन से आकार का है? आधार, आधार इसका है एक वर्ग, और इसको ऊंचाई से गुणा करा दें, यानी ऊंचाई भी क्या है इसकी, भुजा ही है, तो यानी इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी घन का आयतन क्या होता है, आयतन मतलब इसकी धारिता कितनी, इसका पानी कितना सकता है। यहां पर देखिएगा जरा, मैं यहां समझाऊं तो आपको पता है इसका जो आधार है, हम घन के बारे में समझे, इसका आधार एक वर्ग है, और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर इनटू इसकी ऊंचाई, ऊंचाई भी भुजा है, सारी भुजाएं बराबर है, हमने सबको इसको भुजा माना है, तो इसको एक और भुजा से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, भुजा क्यूब बन जाएगा। तो हम इसका अगर क्षेत्रफल अच्छे से, सॉरी मेरा मतलब है सूत्र आप अच्छे से जान लोगे तो इस प्रश्नावली में आप सूत्र अच्छे से लगा पाओगे, और आपको पता है बहुत ही थोड़ा बहुत घुमाकर इसको सवाल दिए तो कौन सा सूत्र कैसे लगाना है वो हमें सीखना है। सबसे पहले तो हमें सूत्र कैसे बनाते हैं वो भी सीखना है, सूत्र को आपको अच्छे से समझना है, तब उसको अच्छी तरह से आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आप कोई भी सवाल करोगे स्टार्टिंग में, आप जो दिया गया डाटा लिखने के बाद में आपको जो चीजें दे रखी है उसको लिखने के बाद में आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना सूत्र के आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो सूत्र को हमें अच्छे से सीखना है। अब देखिए घन के विकर्ण की लंबाई, अब घन का विकर्ण क्या होता है, वर्ग में विकर्ण क्या होता है, वर्ग में हम बात करें तो विकर्ण यानी एक कोने से दूसरे कोने को सामने वाले मिलाने की रेखा को हम विकर्ण कहते हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। अब रूम के अंदर या घनाभ के अंदर, घन के अंदर कैसे होगा, तो देखिएगा मैंने क्या किया है, इस वाले कोने से वहां पीछे वाला कोना मिला दिया, ये वाला कोना, यानी सिंपल सी बात करें उस ऊपर वाले कोने से, मेरे बात सुनिए, ऊपर वाले कोने से अगर मैं ये नीचे वाला कोना, यहां से नीचे वाला कोना अगर मिला देता हूं, ऊपर वाले कोने से नीचे वाला कोना मिला देता हूं, तो ये इसके अंदर आने वाली सबसे बड़ी रॉड कह सकते हैं, छड़ कह सकते हैं। अगर इस रूम के अंदर सबसे बड़ी से बड़ी छड़ रखी नहीं है, तो ऊपर वाले कोने से या नीचे वाला कोना अगर मिला देंगे, मतलब मेरी यहां इतनी लंबी रॉड रख देंगे, तो ये सबसे बड़ी होती है, यही घन का विकर्ण होता है। तो इसकी लंबाई क्या होती है, देखो इसकी लंबाई हो अंडर रूट तीन इंटू भुजा, अंडर रूट तीन इंटू क्या होती है, भुजा, ये इसकी लंबाई होती है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण यानी जो ऊपर वहां से लगा के यहां तक, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा हमारा है घनाभ, इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझिएगा, घनाभ आपको समझ में आ गया तो काफी कुछ आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब घनाभ की आकृति का हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, घनाभ आपने देखा होगा माचिस की डिब्बी वगैरह आपने देख रखी है, तो वो घनाभ के आकार की होती है, वो कैसी आकृति होती है, वो घनाभ के आकार की होती है। ये इसकी होगी लंबाई, ये इसकी होगी चौड़ाई, ये इसकी होगी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई को हम लिख देते हैं एल से, चौड़ाई को लिख देते हैं बी से, और ऊंचाई को हम लिख देते हैं एच से, ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारी चीजें बहुत ध्यान से समझनी है, इसका खासकर इसका क्षेत्रफल का सूत्र। अब हमारे पास क्या है, छह दीवारें हैं, वापस से वही है तो आकार तो वैसा ही, घनाभ कैसा होता है, जैसे माचिस की डिब्बी आपने दे रखी है, ठीक है, और ऐसा रूम जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, लंबा रूम हो, ठीक है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, वो रूम घनाभ के आकार का होता है। तो यहां पर देखिएगा, अब हमें घनाभ का आकार जो क्षेत्रफल है वो पढ़ना है, तो घनाभ के अंदर देखिएगा होता क्या है, घनाभ के अंदर छह फलक होते हैं, छह आयतों से मिलकर घनाभ बना होता है। अब छह आयत में कौन कौन सी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम के अंदर ये हमारी, हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, लंबाई है, और इधर वाली क्या है, चौड़ाई है, और ये तो ऊंचाई होगी, ये क्या है, ऊंचाई, ठीक है। आप यहां से देखिएगा, अब देखिएगा यहां से हम बात करते हैं इसके फर्श की, तो ये लंबाई चौड़ाई दो चीजें, फर्श के अंदर सिर्फ दो ही चीजें काम आती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। जितना फर्श का साइज है उतना का उतना सेम किसका साइज होता है, उसके छत का साइज होता है, उसके क्या होता है, छत का साइज होता है। तो हम यहां पे लिख देते हैं दो इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई मैंने लिखा, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई फर्श का आ गया, फर्श के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है, फर्श से छत, या हम बात करें फर्श से और छत से ऊंचाई का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें
इस दीवार की तो इस दीवार के अंदर कौन कौन सा, इधर वाली दीवार की बात करेंगे ये वाली जो फर्श है यहां पर देखो चौड़ाई और ऊंचाई काम है रही, इधर वाली फर्श की हम इस रूम के इधर वाली बात करें या ये वाला भाग बात करें तो इसके अंदर चौड़ाई और ऊंचाई काम है रही है। तो ये फर्श जितना इस रूम की इधर वाली दीवार है सेम साइज इधर वाली भी है, तो हम इसको भी दो बार लिखेंगे। इधर कौन कौन सी काम आ रही है, देखो इसकी ऊंचाई भी काम आएगी और इसकी चौड़ाई, तो हमने यहां लिखा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहां पे देखिएगा हमारे पास अब कौन सी दीवार रह गई, एक सामने वाली एक पीछे वाली, ये आगे वाली जो सामने वाली दिख रही है ना ये है लंबाई और ऊंचाई इसके अंदर काम आ रही, कौन सी वाली, ये देखो ये वाला भाग है ठीक है। तो इसके अंदर हम देखिएगा इसके सामने वाली है उतनी की उतनी, जैसे मैं सामने वाली दीवार करूं वो की वो सही जाइए आप, और तो सामने वाली दीवार में कौन कौन सा काम आ रहा है, एक तो हमारी ये वाली लंबाई काम आ रही है और एक ऊंचाई काम में आ रही है, लंबाई और ऊंचाई दो चीजें। तो यहां पर भी हम लिखेंगे 2 × H × L ठीक है। अब हम यहां पर सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है L × B यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस B × H चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस H × L यानी ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप इस फॉर्मूले को भूल जाओ तो दो बार L × B × H लिख देना यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर नहीं लिखना है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 तो गुणा में लगाना इन दोनों की गुणा ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है इन दोनों की गुणा, उसके बाद में आपको क्या करना है इन दोनों की गुणा, क्रम से आप गुणा करा दे हो जाएगा, पहले इन दोनों की गुणा एल और बी की, फिर इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की गुणा, और साथ में 2 के साथ में इसको लिखना है ठीक है। तो ये है। अब हम बात करते हैं घनाभ का आयतन, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसको पूरा कवर करना है, आपको कवर लगाना है या पेंट करना है तो कितने सीट की जरूरत होगी या कितने कलर आपने इसके ऊपर किया है कितने क्षेत्र में, तो उसका क्षेत्रफल होता है। आयतन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जैसा आपका फर्श है उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, तो फर्श कैसा है, आयत क्या करता है, आयत होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं L × B × H, ये क्या है हमारा घनाभ का संपूर्ण घनाभ का आयतन, यानी इस तरह का कोई बर्तन है तो उसके अंदर कितना पानी आएगा L × B × H कर दो उसका आयतन आ जाएगा। इसके बाद है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, यानी इसी में भी एक ऊपर वाली रोड से नीचे वाली रखें तो कितनी बड़ी से बड़ी आएगी, तो इसके अंदर देखिएगा आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये एक इसका विकर्ण है, तो विकर्ण या कर्ण एक ही बात है यहां पर इसमें, तो क्या होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर देते हैं रूट के अंदर, तो इसके अधिकतम लंबी से लंबी कितनी रॉड रख सकते हैं इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये होता है इसका विकर्ण, किसका, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण आपको निकालना है, तो इस तरीके से आप सूत्र लगा सकते हो। तो ये हमने देखा घन और घनाभ की आकृति। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी प्रश्न में पढ़ने वाले हैं अगली जो आकृति है वो है बेलन। बेलन हमारे घर में जो बेलन होता है रोटी बनाने के लिए उसके दोनों साइड के हैंडल को हटा दें तो जो आपको आकृति दिखेगी वास्तव में वो बेलनाकार है। वो क्या है, बेलनाकार, जैसे गोल जो ड्रम होता है ठीक है, इस तरह के जो शेप होते हैं। यहां पर हम देखिएगा आकृति देखते हैं तो ये हमें पता चलेगा ये कुछ इस तरह की होती है, ये है बेलन, ये क्या है बेलनाकार आकृति, इस तरह का जो ड्रम होता है बेलन। ये बेलन के अंदर ये बात करें तो यहां से ये नीचे क्या बनता है, एक वर्त बनता है, नीचे और ऊपर क्या है वर्त बना हुआ है, ये इसकी हो जाती है त्रिज्या ठीक है, ये यहां पर भी है इस तरह से, और ये इसकी क्या हो जाएगी, यहां से हम बात करें यहां से इसको मिला दें ये इसकी ऊंचाई होती है, ये बाहर वाली कह दो चाहे अंदर वाली कह दो ये ऊंचाई है इसकी, ये क्या है ये यहां से लगा के यहां तक इसकी ऊंचाई है। को हम H से लिखते हैं, ये हमारी त्रिज्या है।
अब देखिएगा सबसे पहले आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय, वक्र मतलब होता है घुमा हुआ भाग, कर्व जो एरिया है। हमने एक कागज लिया, ठीक है, एक कागज लेते हैं और उस कागज को ऐसे गोल घुमा देते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहां पे हमने एक कागज लिया है, ये कागज कौन से शेप का है हमारा, एक आयताकार है। इस आयत को मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया तो ये बेलन के आकार का बन गया। अब ना तो इसके ऊपर से बंद कर रखा है ना नीचे से, तो ये जो कर्व भाग है ना ऊपर नीचे से नहीं बंद किया है, सिर्फ आपको घुमा हुआ भाग निकालना है। तो ये क्या होता है, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको हमने, इस टंकी ऐसी है जिसको ऊपर और नीचे से बंद नहीं कर रखा है, ऊपर नीचे से खुला है, सिर्फ ये घुमा हुआ भाग हमें निकालना है। तो यही हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी परिधि से आपको याद रखना है, परिधि से। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और इसके साथ h लगा देते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। अब ना तो इसमें ढक्कन ऊपर से बंद किया है ना ही नीचे से बंद किया है, सिर्फ घुमा हुआ भाग आपको ये करना, यानी ऐसा कवर लगाना है सिर्फ यहाँ साइडों साइडों में लगे, ऊपर और नीचे नहीं लगेगा, तो ये उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब आपने देखो ऊपर और नीचे से बंद कर देते हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा। देखिएगा कैसे, जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है ही है इसके अंदर, मैं बताने के लिए बता रहा हूं, 2πr प्लस ऊपर ढकने के लिए देखो सामने वाली आकृति कौन सी है, वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, तो दो वृत्त है। तो मैं यहां पर लिखा सकता हूं 2πr2, यहां से आप थोड़ा सा सिंपल करने के लिए 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो h प्लस r ये लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर। नीचे वाला फॉर्मूला हम याद करते हैं तो इस तरह कैसे बना है, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में ऊपर ढक्कन और नीचे यहां पर पैदा लगा दें, नीचे से बंद कर दें, तो हमारे पास दो वृत्तों की जरूरत पड़ेगी, दो वृत्तों की जरूरत पड़ेगी। गोल जो कागज काट के हम लगाएंगे तो दो वर्तों की जरूरत पड़ेगी, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 2πr कॉमन आ रहा है तो इससे हम लगा सकते हैं। तो भूल जाओ तो आप इस तरह से बना भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि। अब होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अभी मैंने बताया क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू थी। इसका आधार कैसा है, ये आधार कैसा है, ये एक वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, ठीक है, और इसको ऊंचाई से गुणा कर दो, ऊंचाई कितनी है मानी इसकी h, तो πr स्क्वायर h बेलन का आयतन होता है। क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल परिधि से याद रखना है, बेलन का आयतन वृत्त के क्षेत्रफल से, परिधि से क्षेत्रफल से, ये पाई 2πr h और ये πr स्क्वायर h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h प्लस r, अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखें यहां पर शंकु, अगला हमारा क्या है, शंकु। तो शंकु की बात करें तो शंकु की आकृति कैसी होती है, जैसे हमने देखा होगा कौन हमने खाया होगा आइसक्रीम वाला, जोकर की टोपी आपने देखी होगी, वो हमारे कैसे शेप के होते हैं, वो हमारे होते हैं शंकु के शेप के, नहीं तो ये रहा देखो, ये इसका हो गया केंद्र, ये इसकी त्रिज्या, ठीक है, और यहां से ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है h, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है यहां पे। अब देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय, ये सिर्फ घुमा हुआ भाग, नीचे से बंद नहीं किया, ये घुमा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, उससे पहले हम यहां पे देखेंगे ये वाली जो हाइट होती है इसकी, ये वाली जो लंबाई है इसको हम क्या कहते हैं, इसकी तिरछी या तिरेक ऊंचाई, ये क्या बोलती है, ये यहां से यहां तक की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तिरेक या तिरछी ऊंचाई, ये वाली जो, तिरेक लंबाई कह दो या तिरेक ऊंचाई, जिसको हम L से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, L से। अब ये घुमा हुआ भाग आपको ज्ञात करना है, घुमा हुआ भाग ज्ञात करना है, तो देखिएगा क्या सूत्र होता है इसका, घुमे हुए भाग का, इसका सूत्र होता है पाई आर एल, ये बेलन का सॉरी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इसका घुमा हुआ भाग पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक नीचे एक वर्त लगा दो, बंद कर दो वर्त लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस, आपको पता है बंद करने के लिए एक वर्त की जरूरत पड़ेगी जो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से पाई और आर कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस आर आ जाएगा, एल प्लस आर आ जाएगा, ये हम इसको याद रख सकते हैं, एल प्लस आर, ये अगर भूल जाओ तो ये इससे लगा के भी निकाल सकते हो, यहां पर भी मान निकाल के सेम ही आएगा, यहां पर भी रखो तो भी सेम।
अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन देखो बेलन का आयतन है वही होता है। कैसे, जरा देखिएगा, मैं यहां पे आपको समझाता हूं एक छोटा सा डायग्राम बना के। ये बेलन है, देखो शंकु इसमें से कैसे बनेगा, शंकु जरा कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या, जरा देखिएगा आपको समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। यहां से तो इसके तीन भाग हो गए, देखो एक ये वाला, दो वाला, ये तीन भाग, और तीनों एकदम शेप में आप देखोगे ना तो इसके तीन बराबर भाग बनते हैं, तब एक शंकु इसमें से निकलता है। तो जो बेलन का आयतन है उसका तीसरा हिस्सा शंकु का आयतन होता है। तो यहां पे हमें अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसके साथ में एक बटे तीन लगा दो क्योंकि तीसरा हिस्सा इसके बराबर होता है। तो एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच, एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। यहां पे एक और चीज है वो है तिर्यक लंबाई कोण, जो हमने लिखा नहीं है यहां पे वो लिख लेते हैं। तिर्यक लंबाई का जो फॉर्मूला है एल बराबर क्या होता है, ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ये इसका कर्ण है, देखो यहां पर 90 डिग्री कोण इसके सामने भुजा, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है तिर्यक लंबाई का फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तिर्यक लंबाई का फॉर्मूला अच्छे से आपको याद रखना है। एक और शंकु के अंदर ये फॉर्मूला आपको ऐड करना है। इसके बाद में हम देखते हैं लास्ट हमारी दो आकृतियां हैं, हालांकि एक से ही दूसरी बनी हुई है, एक है गोला और दूसरा है अर्धगोला, उसको काट दें तो आधा गोला बन जाए। गोला क्या होता है, अब जरा देखिएगा यहां पर हमें दो चीजें दिक्कत करती है, एक तो है गोला, एक होता है वृत्त। क्या आप मुझे बताएंगे दोनों एक ही आकृति होती है या अलग अलग होती है, एक ही आकृति होती है या अलग अलग होती है? देखो गोला भी गोल होता है, वृत्त भी गोल होता है, लेकिन दोनों बहुत अलग होती है। अगर आप इस कागज को, इस कागज के टुकड़े को बिल्कुल गोल काट लें तो ये गोला बनेगा, कागज का टुकड़ा। और आपने क्रिकेट की गेंद वगैरह जो देखी होगी, बॉल क्रिकेट की गेंद जो होती है वो होती है गोला, उसको किसी भी तरफ से देखो गोला दिखेगा, और एक कागज को काटा हुआ है तो वो तो एक प्लेट जैसा होगा, प्लेट जो होगी वो वर्थ होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोले की बात कर रहे हैं, पर गोले की आकृति जैसे क्रिकेट की गेंद वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मैं यहां पर एक आकृति बना दूं इस तरह से, ये जो है ये है वृत्त, फुटबॉल होगी, बास्केटबॉल होगी, क्रिकेट की गेंद हो गई, ये जो गोल आकृतियां होती है, तरबूज जो हो गया लगभग गोल आकृति का होता है, तो वो क्या है, ये है वृत्त। इसके अंदर हम यहां पर देखें तो ये हमारी इसकी क्या हो जाती है त्रिज्या। अब त्रिज्या इधर से लो, इधर से सारी आपको पता है त्रिज्या तो क्या होती है, बराबर होती है। अब यहां से बनाओ सब त्रिज्या बराबर, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका गोले का, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय होता है पाई आर स्क्वायर, कितना 4 पाई आर स्क्वायर होता है किसका, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले को पूरा कवर करना है आपको, पूरा इसके ऊपर कवर लगाना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 4πr². वहीं गोले का आयतन की बात करें, इसके अंदर कितना पानी, कितनी मिट्टी, कितनी हवा आ सकती है, तो वो होता है गोले का आयतन जो होता है 4/3πr³, 4/3πr³, ये होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³, ये होता है गोले का आयतन। अब अर्धगोला, अर्धगोला यानी इस गोले को बीचों बीच में से काट दो, आधा गोला बन जाएगा। तो आधे गोले का शेप कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, इसको उल्टा बना लो, सीधा बना लो, कैसे ही बना सकते हैं, इसको पूरा उल्टा घुमा दो ये भी बन जाएगा, ठीक है। ये भी इसकी त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ये भी त्रिज्या है इसकी, खींचे तो ये भी त्रिज्या इसकी, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है त्रिज्या, ठीक है। तो यहां पे पहले तो वक्रपृष्ठीय, वक्रपृष्ठीय मतलब ये बाहर बाहर वाला घुमा हुआ भाग। अब इसके ये यहां से ऊपर से जो खुला है वो खुला ही पड़ा है अभी तक, इसको हटा देंगे तो वक्रपृष्ठीय, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 2πr², कितना होता है 2πr, उसका आधा कर दो। अगर आपको यहां पे संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है तो 2πr तो वो है ही है, एक और ये ऊपर से बंद करने के लिए एक वर्थ की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 2πr² प्लस एक और πr² जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 3πr², ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन इसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब यहां 4 है तो 4 की जगह 2 लगा दो, 2/3πr³ होता है, ध्यान रखना आयतन के अंदर क्यूब आता है, क्या आता है आयतन के अंदर क्यूब आता है, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हमारी 6 मेन आकृतियां हैं,
हालांकि हम एक छिन्नक का क्षेत्रफल शंकु से बना हुआ एक और क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वो हमें जब पर्सनली बात करेंगे तब करेंगे। अभी हमें ये इन फॉर्मूलों को अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से इसको माइंड के अंदर रखना है, एक एक को अच्छे से तैयार करना है ताकि हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो आयतन से संबंधित एक चीज है। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम आकृति एक आकृति को दूसरी आकृति में बदल देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या था, एक लोहे का घन था, ठीक है, उसको पिघलाकर आपने गोला बना दिया, तो उसका सरफेस एरिया है यानी क्षेत्रफल है वो तो बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। जैसे मान लो मैं एक बात करता हूं, यहां पे हमारे पास एक घन है, ठीक है, एक घन है, चलो हम यहां से डायग्राम को यूज करके बनाते हैं, हमने एक घन लिया है, ठीक है, इसको पिघलाकर हमने क्या बना दिया, इस तरह का एक बना दिया है, ठीक है। अब मैंने जब ये बना दिया है, ठीक है, तो इससे ये पिघलाकर आपने बनाया, तो जितना पानी इसके अंदर आएगा ना, उतना का उतना पानी इसके अंदर आएगा। अगर मान लो इसके अंदर 20 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर भी 20 लीटर आएगा, यानी आयतन तो सेम है, आयतन नहीं बदलेगा। एक आकृति को पिघलाकर आप दूसरी आकृति बना देते हो तो आयतन कभी भी नहीं बदलता है, ये अच्छे आप अच्छे से आपको याद रखना है। एक आकृति को पिघलाकर आपने दूसरी आकृति बना दी तो आयतन सेम रहेगा। या फिर हम ऐसा करते हैं, इससे हमने क्या किया, बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे दूसरे शेप बना दिए, जैसे मान लो इसमें से हम बहुत सारे शंकु बना दिए, इसको पिघलाकर हमारे पास शंकु बना दिए, तो जैसे मान लो इसको पिघलाकर हमारे पास चार शंकु बने, तो इन चारों का अगर हम आयतन जोड़ देंगे, इन चारों का आयतन जोड़ देंगे, आयतन की बात करें, तो हमारा जो कुल आयतन आएगा वो हमेशा इसके बराबर होगा, कुल आयतन हमेशा इसके बराबर होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, आयतन एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं या उसके कुछ पार्ट कर देते हैं, तब उन सब का मिलाकर वो आयतन उस पहले वाले के समान ही रहता है, आयतन चेंज नहीं होता है। हाँ, क्षेत्रफल बदल जाएगा लेकिन आयतन कभी भी नहीं बदलेगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं वापस से, हमें क्या है, सबसे पहले आपको इनको ध्यान रखना है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप क्या होता है, ठीक है। आप इसका विकर्ण निकालना चाहें तो विकर्ण भी यहां पर निकाल सकते हैं, इसका होता है रूट दो इंटू भुजा, इसका विकर्ण होता है एल का स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, अगर घनाभ होगा तो ऊंचाई का स्क्वायर और आ जाएगा, ये परिमाप हो गया इसका, ठीक है, अर्धगोले के लिए आधा हो जाएगा। इसी तरह हम बात की घन और घनाभ की, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन, इसका विकर्ण, और ये हमें अच्छे से ध्यान में होना चाहिए आकृति। कई बार हमें इस घनाभ के अंदर पूछ लेता है सिर्फ चारों दीवारों की, या आप क्या करो सिर्फ छत को हटा दिया, तो छत में क्या आता है आपको पता है, लंबाई और चौड़ाई आता है, तो लंबाई और चौड़ाई दो बार ना आके एक बार ही आएगा, तो फिर हम ये दो दो गुणा वाला सूत्र लगाएंगे तो अच्छे से याद रहेगा। तो आप इस तरीके से सूत्र को याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमें बेलन और शंकु की। बेलन और शंकु के दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको अच्छे से याद रखना है, और खासकर शंकु के अंदर एक तिर्यक लंबाई जो है, तिर्यक ऊंचाई कह दो या तिर्यक लंबाई कह दो, इसका भी क्षेत्रफल आपको, ये स्लैंट हाइट होती है, जो स्लैंट हाइट होती है वो इसको कहलाती है, तिरछी लंबाई जो है वो इसकी, तिरछी लंबाई जो होती है L, उसका आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हमने देखा गोला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और गोले का आयतन क्या होता है, उससे अर्ध गोला, अगर गोले को बीच में से काट दे तो अर्ध गोला बनता है, उस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय होता है, बाकियों में वक्र पृष्ठीय, पूरे गोले में वक्र पृष्ठीय नहीं होता है, वो तो पूरा घुमा हुआ है, वो तो पूरा कवर ही है। उसके बाद में हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं और अर्धगोले का आयतन देखते हैं। तो ये सूत्र आपको अच्छे से कवर करने हैं, इन सूत्रों को आपने कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप इस 13वीं प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको मुश्किल लगती है मैथ, लेकिन आप अगर सूत्रों को अच्छे से तैयार कर दिया तो सिखा तो ऐसा ही देंगे, आपको इस तरह से सिखा देंगे ताकि आपको इस प्रश्नावली में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आप आगे कॉम्पिटिशन देते हैं तब भी ये बहुत काम आएंगे, तो इसको आप वो सोच के भी करोगे तो भी बहुत फायदा है। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, किस तरह से एक आकृति को दूसरी आकृति में बदल देते हैं, कब आयतन बराबर हो जाता है, कब क्षेत्रफल बराबर होता है, तो ये सारे सवाल हम जब करेंगे तो सारे हमारे एकदम डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले काम इन सूत्रों को अच्छे से तैयार करना है। तो उम्मीद करते हैं अगले वीडियो की बात करेंगे, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तब आपको सूत्र अच्छे से तैयार होंगे, तब हम एक एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे।
आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पर्सनालिटी के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।